गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आटू डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो वैकेंसी आई हुई है और जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फार 30 अप्रैल तक चलने वाला है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप फिलअप कर चुके हैं या नहीं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूँ कि क्या होने वाला है एसएससी एमटीएस का और हवलदार की। हवलदार में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा और साथ ही जो है कि एसएससी एमटीएस के ही साथ आपका एग्ज़ाम होगा पेपर फर्स्ट और सेकेंड। और जो है कि हवलदार के लिए जो फिलअप करेंगे फॉर्म उनके लिए जो है कि फिजिकल देना होगा। इस वीडियो के माध्यम से ऑल डाउट क्लियर करने वाला हूँ। टॉपिक वाइज सिलेबस आपको बताने वाला हूँ 2022 का क्या होने वाला है पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड का। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए गवर्नमेंट जॉब से अपडेट पाने के लिए। चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिलेबस बता दूँ। थीम ऑफ एग्जामिनेशन ये नोटिफिकेशन में पहले ही बता दिया गया है। द एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होने वाला है। पेपर फर्स्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट PET फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। जो हवलदार के लिए फिलअप करेंगे फॉर्म उनके लिए जो है कि PST फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट देना होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना होगा। ठीक है, आगे मैं बताने वाला हूँ कि PST और PET में क्या क्या होने वाला है, उसके लिए भी आप स्टैंडर्ड रहें फिजिकल के थ्रू। द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेट इन द नोटिस टेंटेटिवली एनी चांस शेड्यूल टू एग्जामिनेशन इन्फॉर्म एडमिट। तो जो है कि एग्ज़ाम के लिए कब आपका एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सब नोटिस के थ्रू आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप चलते हैं डायरेक्ट आपके पेपर फर्स्ट। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है वो आप उसमें आपके सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं, तो देखिए सब्जेक्ट में आपका जनरल इंग्लिश होने वाला है, सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। आपका जो है कि तर्क शक्ति आने वाली है, रीजनिंग आने वाली है, उसमें जो है कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मिलाकर आती है। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब आपके जो है कि गणित आने वाली है, अर्थमेटिक में कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं आगे मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। जनरल अवेयरनेस कहां कहां से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड गणित अर्थमेटिक जो क्वेश्चन आएंगे 25 आएंगे और 25 आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस के जो है कि 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 100 क्वेश्चन में यदि आप 100 क्वेश्चन सही कर देंगे तो 100 नंबर आपको मिलने वाले हैं। माइनस मार्किंग भी आपकी होने वाली है 1/4। ठीक है, 90 मिनट आपको समय मिलने वाला है, 120 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सब्सक्राइब एज पैरा 8.1 एंड 8.2। ठीक है, उनके लिए है जो कि विकलांग हैं, जो उनके हाथ पैर जो है कि काम नहीं करते उनके लिए है ये चीज़ें, मतलब ज़्यादा समय मिलने वाला है। पेपर फर्स्ट विल बी कंसिडर ऑब्जेक्टिव टाइप। आपका जो है कि ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी टाइप प्रश्न आएंगे जिनमें आपके चार जो है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। पार्ट ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपका जो है कि पैरा होने वाला है, 1, 2, 3, 4 की तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। ये चीज़ें बताए, देर विल बी नेगेटिव माइनस मार्किंग 0.25 मतलब 1/4 आपका जो है कि नेगेटिव माइनस मार्किंग होने वाला है। मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट पेपर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विद कंसर्न मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइजेशन बाय यूजिंग द फार्मूला पब्लिश बाय द कमीशन थ्रू नोटिस फर्स्ट फॉर 2000। देखिए एक फार्मूला बनता है जो आगे मैं आपको बता दूंगा, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू कैसे आपका जो है कि एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, उसके थ्रू आपका जो है कि सिलेक्शन होता है। ठीक है, पेपर फर्स्ट ही बेस्ट रोल निभाता है यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो। फिर आपको जो है कि पेपर सेकेंड में डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है कि डिस्क्रिप्टिव होता है, जो कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है, आपको लिखना होता है शॉर्ट ईसे एंड लेटर इन द इंग्लिश आर एनी लैंग्वेज इंक्लूड द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपके भाषा में 8 भाषा में जो है कि किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जो भी आपको जो आता होगा, आप जहाँ रहते होंगे आपके वहाँ की भाषा क्या है, कैसे आप जो लिखे पढ़े हैं उसमें लिख सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपके जो है कि 50 होने वाले हैं और 45 मिनट आपको समय मिलने वाला है, 60 मिनट उनके लिए जो कि पैरा 8.1 और 8.2 से
हैं, 25+25, ठीक है। आपको 60 इसे भी लिखना होगा, 25 मार्क्स का होगा, और जो है कि एक लेटर भी लिखना होगा जो कि 25 मार्क्स का होगा, दोनों मिलाकर 50 मार्क्स के होंगे, और आपको जो है कि पासिंग मार्क्स दोनों में मिलाकर 30 नंबर आपको लाना अवश्य है, ठीक है। 30 नंबर लाएंगे तभी जो है कि पास हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे, यही चीज़ें जो है कि बताया गया है। अब मैं आगे बात करने जा रहा हूँ कि इंडिकेट सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में आपका कहाँ कहाँ से टॉपिक उठाए जाते हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपके कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक लैंग्वेज ऑफ हिंदी, बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अंग्रेज़ी का सामान्य जो है कि जानकारी आपकी होनी चाहिए। फिर जो है कि इट्स वोकैबुलरी से क्वेश्चन आते हैं, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ग्रामर से आपके क्वेश्चन बनते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड करेक्ट यूजेज, ETC एंड राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। तो ये एक SSC का कोई भी आप लूसेंट का भी आप ले लेंगे बुक्स तो बेस्ट रहेगा इंग्लिश के लिए, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपके कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, नॉन वर्बल और वर्बल में आपके क्वेश्चन बनते हैं, सिमिलरिटी, समानता और डिफरेंसी, असमानता, स्पेस, विजुअल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप मतलब ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्ट, फिगर, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर, सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, ETC से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब रीजनिंग के सभी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हर एक टॉपिक आपको पढ़ लेना है, कोई भी आप अच्छे बुक ले लीजिएगा, बुक के लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा आगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स के लिए कौन कौन से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए इट विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिव टू नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डिसिमल एंड फ्रैक्शन से क्वेश्चन, एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात, समानुपात, एवरेज, औसत से क्वेश्चन, इंटरेस्ट, ब्याज से, लाभ हानि से क्वेश्चन, डिस्काउंट बट्टा से क्वेश्चन, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। जनरल अवेयरनेस कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन विल बी डिजाइंड टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, जनरल अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट अराउंड हिम, इट्स एप्लीकेशन ऑफ सोसाइटी, क्वेश्चन विल बी डिजाइन नॉलेज, करेंट अफेयर्स, करेंट इवेंट्स, ठीक है। देखिए आपके जो है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, करेंट अफेयर्स से, करेंट इवेंट्स से, फिर आपके जो है कि कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, ETC, ये चीज़ों से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद जो है कि पेपर फर्स्ट का हो गया, पेपर सेकेंड का भी आपको मैं बता दिया हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो है कि अब हवलदार के लिए जो फॉर्म फिलअप करेंगे उनके लिए PST देना होगा। PST में आपका क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वॉकिंग आपको आना चाहिए, 1600 मीटर आपको वॉकिंग करना होगा 15 मिनट में, और यदि मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में आपको वॉकिंग करना होगा। साइकिलिंग आपको जो है कि आना चाहिए, 8 किलोमीटर साइकिलिंग करना होगा, 30 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा, 3 किलोमीटर 25 मिनट में आपको जो है कि कंप्लीट करना होगा यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो। ये है PST और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपके मेल कैंडिडेट हैं तो आपके हाइट होना चाहिए 157.something, रिलैक्सेशन बाई 5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ ग्राफिक एसेंस गोरखा रेजिमेंट, ठीक है। तो ये है अनएक्सपेंड 36, आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो है कि 75-76 आपका जो है कि सीना होना चाहिए। फीमेल के लिए जो है कि ये चीज़ें नहीं मापा जाता, चेस्ट नहीं मापा जाता, और जो है कि 152 सेंटीमीटर आपका जो है कि हाइट होना चाहिए फीमेल के लिए, और 48 kg जो है कि आपका वज़न होना चाहिए उससे कम नहीं। ये है हवलदार के लिए। तो यही सब है, और
यूपीएसटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में हवलदार के लिए आवश्यक एमटीएस का सिलेबस मैं बता चुका हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बेस्ट बुक्स बताने वाला हूँ कौन कौन से जो है कि बेस्ट बुक है एसएससी एमटीएस के लिए, और कटअप भी बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।